ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एग्जीबिशन के बारे में। पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोज में मैं आपको बताया था कि आपने जब तक एग्जीबिशन में एक्सपो में पार्टिसिपेट नहीं करोगे या एक्सपो विजिट नहीं करोगे तब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर नहीं मिल रहा है, थोड़ा पैसा खर्चा करना पड़ेगा आपको, थोड़ा एग्जीबिशन ज्वाइन करना पड़ेगा। एब्रॉड में इंडिया में जो हो रहा है उसमें नहीं है, जो फॉरेन कंट्री में एग्जीबिशन होता है, एक्सपो होता है, वहाँ पर जाकर आपको पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट करना मतलब वहाँ पर स्टॉल लेना है, स्टॉल लेकर आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का जितने सारे सैम्पल प्रोडक्ट है छोटा छोटा पैकेट में पैक करके आपका स्टॉल में रखना है। और आपका जो कंपनी प्रोफाइल जो देश में जा रहे हो उस देश का भाषा में और इंग्लिश भाषा में दो लैंग्वेज में आपको कंपनी प्रोफाइल बनाना है। और आपका बिजनेस कार्ड उसी देश का भाषा में बनाना है, इंग्लिश में बनाना है, उस देश का भाषा में बनाना है। और लोकली एक लड़का या लड़की को एक दो दिन के लिए अपॉइंट करना है जो लोकल लैंग्वेज में बात कर सके। फिर वहीं पर आपका दो दिन में पार्टिसिपेट करोगे, एग्जीबिशन में ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पर ग्लोबली काफ़ी सारे कंपनीज़ के CEO, MD, चेयरमैन एंड मैनेजर्स वगैरह विजिट करते हैं उस एग्जीबिशन को। फिर जब वो आपका स्टॉल में आएंगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का लेंगे, आपका स्टॉल में आने के बाद आपसे बात करेंगे, आपका स्टाफ से बात करेंगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का सैंपल कुछ लेंगे, आप उनको दोगे और आपका कंपनी प्रोफाइल और बिजनेस कार्ड का जो हार्ड कॉपीज है वो लेके जाएंगे और थोड़ा दिन के बाद वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ऐसे ही एग्जीबिशन होता है। एग्जीबिशन में जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो या पार्टिसिपेट नहीं करते हो या आप जाकर वहाँ पर घूम के नहीं आते हो तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही एग्जीबिशन मार्च में होने वाला है, 2024 मार्च में होने वाला है, 13 से लेकर 15 तारीख, 13, 14, 15 तीन दिन, और 27, 28, 29 तीन दिन वियतनाम में होने वाला है। एक तो होगा आपका जो लाइव स्टॉक एनिमल फीड्स वगैरह उसका होगा, और एक रहेगा आपका जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर का रहेगा, दो रहेगा इन वियतनाम में। तो आइए आपको मैं लिस्ट करके दिखा रहा हूँ वियतनाम में जो होगा एग्जीबिशन के बारे में दिखा रहा हूँ, आप ऑन स्क्रीन देख लीजिए। सो ये होगा वियतनाम में लाइव स्टॉक वियतनाम 2024, और डेट है 27, 28, 29 तीन दिन रहेगा, 27, 28, 29 मार्च 2024 में होगा, वियतनाम में होगा। और इसके का क्या क्या इसमें रहेगा, फीड रहेगा, एनिमल फीड्स के ऊपर रहेगा, लाइव स्टॉक एनिमल फीड्स, एनिमल हेल्थ, डायरी एंड मीट प्रोसेसिंग। तो क्या क्या कंपनीज वहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ पर कंपनी कितने सारे कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें फीड, एनिमल फीड इंडस्ट्री, एनिमल्स एंड हस्बेंड्री, एनिमल हेल्थ और वेटरनेरियंस एंड मीट प्रोसेसिंग कंपनीज, एंड आपका जो ट्रेडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडस्ट्री सप्लायर्स, पिग एंड पोल्ट्री फार्मर्स, एक्वाकल्चर, डायरी फार्मर्स। तो ये हो गया एक। और दूसरा है आपका मार्च 13, 14, 15, ये रहेगा होटेक्स्ट वियतनाम में वेजिटेबल्स, फ्लावर, फ्रूट्स प्रोडक्शन कंपनी ये ज्वाइन करेंगे इस एग्जीबिशन में 13, 14, 15 मार्च में। तो डिटेल्स में आपको दिखा दिया होटेक्स वियतनाम 2024 जो 13, 14, 15 मार्च 2024 में होगा। इस यहाँ पर आएंगे जो वेजिटेबल्स फ्लावर्स ये जो कंपनी डील करते हैं वेजिटेबल्स एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स, वेजिटेबल्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का एक्सपोर्टर इम्पोर्टर्स ट्रेडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स और फार्मर्स, यही लोग ज्वाइन करेंगे। अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो तो वियतनाम में ये जो मार्च 13, 14, 15 का जो एग्जीबिशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज, एशियन कंट्री, ओशेनिया कंट्रीज मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये एरिया से भी आते हैं, और एंटायर एशियन कंट्री, मिडिल ईस्ट कंट्री एंड यूरोपियन कंट्री के इम्पोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स वगैरह आते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स एंड आपका जो फ्लावर ये प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हो तो ये एग्जीबिशन ज्वाइन करना जरूरी है। ये 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख तीन दिन रहेगा वियतनाम में। और दूसरा बता दिया आपको एनिमल
का जो लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक मतलब हो गया जैसा कि एनिमल्स के ऊपर, पोल्ट्री हो गया, पिग हो गया, देन आपका जो गाय हो गया, बैल हो गया, तो जितने सारे आपका जो एनिमल्स यूज होता है, ह्यूमन का जो यूज होता है, हम लोग जो डेली लाइफ में जिस एनिमल के साथ हम लोग का काम चल रहा है, जैसे हम यूज करते हैं एनिमल्स को, जैसे कि डॉग हो गया, डॉग कैट एंड आपका जो काउज हो गया, जितने सारे एनिमल्स, चिकन पिग, तो ये सब एनिमल्स का रहेगा, उनका फूड का फीड रहेगा, उनका फूड का जो सप्लाई होता है वो फूड कंपनी आते हैं, और चिकन एग का जो चिकन और एग अंडे का चिकन का जो पोल्ट्री फार्मिंग कंपनी, पोल्ट्री एक्सपोर्ट कंपनी, चिकन एक्सपोर्ट कंपनी, चिकन इंपोर्ट कंपनी, एग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी, देन आपका जो काओ डायरी प्रोडक्ट जैसा कि आपका मिल्क, घी, बटर, चीज वगैरह जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उसका कंपनीज, देन आपका एनिमल फीड्स, कैट डॉग एंड आपका काउज पिग, ये जो खाना खाते हैं उनका जो खाना है, फीड है उनका जो कंपनी, और आपका जो उनका जो ये एनिमल्स का जितने सारे मेडिसिन होता है, एनिमल्स मेडिसिन और मेडिसिन कंपनी, तो इतने सब ज्वाइन करते हैं इस एग्जीबिशन में। तो अगर आप फूड प्रोसेसिंग या मीट प्रोसेसिंग, अगर आप मीट एक्सपोर्ट करते हो, तो कोई भी मीट एक्सपोर्ट करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो, इम्पोर्ट करते हो, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दो एग्जीबिशन रहेगा, 13, 14, 15 मार्च, 27, 28, 29 मार्च 2024। अगर आप इस एग्जीबिशन में ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ। तो ये एग्जीबिशन में आप जाने के लिए हमारा कंपनी ऑर्गेनाइज भी करता है, यहाँ का जो कंपनी के साथ पार्टिसिपेट पार्टनरशिप में हम लोग काम करते हैं। तो अगर आप ये एनिमल्स लाइव स्टॉक वियतनाम और ये फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल फ्लावर में ज्वाइन करना चाहते हो, मैं आपको डेट बता दिया, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप हमें कांटेक्ट करिए, तो उसमें आप दो टाइप का जा सकते हो, दो टाइप, एक तो हो गया आप एज ए एग्जीबिटर, मतलब आप वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, खाली घूम के आके घूम जाओगे, दो तीन दिन घूमोगे, घूम के आओगे, देखोगे कैसे हो रहा है, कैसे पार्टिसिपेट हो रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, फिर वैसा घूम के आ सकते हो। तो इसके लिए आपको वीज़ा चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए, एयर टिकट वगैरह चाहिए, तो हमारा कंपनी पूरा बना के देगा आपका वियतनाम का वीज़ा, आपका होटल बुकिंग, देन आपका जो एयर टिकट पूरा बुकिंग करके देगा, फिर आपका ट्रांसपोर्ट, जो वहाँ का ट्रांसपोर्ट भी हम अरेंज करके देंगे, मतलब होटल टू एयरपोर्ट टू होटल, होटल टू एग्जीबिशन सेंटर, देन बैक, तो इतना हम लोग अरेंज करके देंगे। तो अगर आप जाना चाहते हो, आप एग्जीबिशन एज ए एग्जीबिटर, एज ए विजिटर जा सकते हो, और पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपका स्टॉल बुकिंग हम करके देंगे, स्टॉल बुकिंग करके देंगे, आपका वीज़ा टिकट एवरीथिंग हम लोग अरेंज करके देंगे, फिर आप जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हो। लोकली स्टाफ भी एक दो दिन तीन दिन के लिए हायर करके देंगे, तो लोकल स्टाफ जो वियतनामीज लैंग्वेज में आपसे आपको हेल्प करेगा, वहाँ पर जो एग्जीबिटर्स आएंगे, तो एक आपका वियतनामीज लैंग्वेज में, एक चाइनीज लैंग्वेज में दो स्टाफ रखना पड़ेगा, एक दो लड़की तो आपको हेल्प करेंगे। तो इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश आता है तो ठीक है, इंग्लिश नहीं आता है तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ भी रखना पड़ेगा, और तीन स्टाफ इंग्लिश, वियतनामीज, चाइनीज, तीनों स्टाफ तीन लैंग्वेज में रखना पड़ेगा, तो आपका स्टॉल में रहेंगे। फिर वहाँ पर चाइनीज़, वियतनाम में चाइनीज बहुत सारे आते हैं, चाइनीज कंपनीज आते हैं, रशियन कंपनीज आते हैं, सिंगापुर से आते हैं, वियतनाम, देन आपका जो फिलीपींस से आते हैं, देन आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये सब कंट्री से बहुत सारे एग्जीबिटर्स आते हैं। तो अगर आप ये सब प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो आपको पार्टिसिपेट करना जरूरी है। आप एज ए विजिटर जाकर घूम के आ सकते हो, तो हम आपका वीज़ा टिकट एवरीथिंग हम अरेंज करेंगे। अगर आप वहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, कितना खर्चा आएगा, क्या होगा, आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। आपका हमारा जो बिज़नेस कार्ड हम दिखा रहे हैं आगे, तो आप बिज़नेस कार्ड में आप हमें व्हाट्सअप करिए आपका बिज़नेस, कंपनी का बिज़नेस कार्ड, आपका ईमेल हमें ईमेल करिए, तो हम आपको डिटेल्स में भेज देंगे कितना खर्चा आएगा इन वियतनाम में। ऑल्सो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, रशिया में 2024 में जितने सारे एग्जीबिशन हो रहा है, जो हमारा कंपनी वहाँ का कंपनी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एग्जीबिशन में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनके साथ, तो रशिया का कितने सारे एग्जीबिशनों का नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ। अगर वियतनाम में आपको ज्वाइन करना है, मार्च में ज्वाइन करना है, तो अभी से आपको बुकिंग करना पड़ेगा, तो हम आपको अरेंज करके पूरा देंगे। तो आपको, अगर आप इंटरेस्टेड, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।